हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और अगेन आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये है आपके बालों की हेल्थ के ऊपर। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या आपके बालों की डेंसिटी कम हो गई या आपके बाल पतले हो गए या आपका खानदानी गंजापन हो रहा है या कुछ भी रीज़न है आपके बालों को बाल ग्रो नहीं हो रहे, तो मैं आज आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो स्पेशलाइज्ड कंपनी है जो कि स्पेशली मेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है। उन पर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और ऑफकोर्स कंपनी का नाम भी है मैन मैटर्स। तो मैन मैटर्स अभी तक बहुत सारी कंपनी है जो वुमेन्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जो वुमेन्स के लिए होते हैं, बट ये कंपनी है जिन्होंने मेंस को थोड़ा सोचा कि उनके लिए भी कुछ बना के है। तो स्पेशली ये कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि मेंस के ऊपर होते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे हेल्थ टॉनिक के ऊपर, स्किन टॉनिक के ऊपर, बट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो ऑन हेयर टॉनिक। आपके बालों के लिए एक मैं बहुत ही अच्छा टॉनिक लेके आया हूँ, इसका नाम ही है हेयर टॉनिक। इसके अंदर रिडेंसिल है 3%, प्रोकैपिल है एंड 2% बायकैपिल है। जो आपके रिडेंसिल क्या करता है वो आपकी स्टेम सेल पे जाके वर्क करता है, हेयर की ग्रोथ को फास्ट कर देता है, हेयर की मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कर देता है, स्टेम सेल पे लेवल में जाके वो वर्क करता है। इसके अंदर प्रोकैपिल है जो कि आपकी डीएचटी डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल को ब्लॉक कर देता है, कन्वर्जन को रोक देता है, जिसके कारण खानदानी गंजापन होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है जिनको यहाँ से बाल साफ होने चालू जाते थे, बनने रहता है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, आपने देखा होगा जिनको हेयर लॉस होता है तो पूरा साफ हो जाने लगता है, उनकी बॉडी में डीएचटी का लेवल बढ़ जाता है। तो डीएचटी ब्लॉकर बहुत सारे आते हैं, लाइक फिनोस्ट्राइड आता है, ड्यूटेस्ट्राइड आता है, पर उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए लोगों को अवॉइड करते हैं, वो लोग खाते नहीं है। तो उसके लिए इसमें प्रोकैपिल है जो कि आपके डीएचटी को कन्वर्जन को रोक देगा और साथ में इसमें बायकैपिल है जो कि आपके एनार्जन फेज को बढ़ा देगा। मतलब हमारे हेयर की साइकिल होती है एनार्जन, कैटेजन, टिलोजन। एनार्जन फेज में बाल ग्रो करता रहता है, कैटेजन में इंटैक्ट रहता है, टिलोजन में झड़ जाता है, शेड हो जाता है। तो उसका जो एनार्जन फेज है मीन्स उसका जो ग्रोइंग फेज है उसको बढ़ा देता है इसका, इसमें जो बायकैपिल है। तो बायकैपिल आपके ग्रोइंग फेज को बढ़ा देगा और आपके बाल फटाफट जोर जोर से ग्रो होना चालू रहेंगे, फटफट ग्रो होते रहेंगे और शेड बहुत स्लो होंगे। तो वैसे एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल होता है, बट हेयर फॉलिंग इज नॉर्मल, हेयर लॉस इज एबनॉर्मल। तो आपके बाल झड़ने के बाद अगर फॉल हो रहा है तो नॉर्मल है, बट उसके बाद ग्रो भी होना चाहिए। अगर आपके बाल ग्रो नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स आपको हेयर लॉस प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ ये है एडवांस हेयर टॉनिक, मैन मैटर्स की एडवांस हेयर टॉनिक। इसको आपको कभी भी लगा सकते हो, इसमें जो भी सॉल्ट पॉमेंटेड भी है जो भी आपके हेयर को ग्रोथ को फास्ट करता है और विदाउट साइड इफेक्ट। इसमें पैराबेन फ्री भी है जो प्रिजर्वेटिव होता है, जो की स्टोन का लेवल बढ़ा देता है और कैंसर कॉज करता है, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें तो फ्री है। और इसके सबसे अच्छा तरीका, इसको जो एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये टोटली वाटर बेस्ड है। ये बाकी मिनोक्सिडिल की तरह अल्कोहल बेस्ड नहीं है जो आप लगाने के बाद एकदम बाल कड़क कड़क हो जाते हैं और एकदम दिखता रहता है कि यार आपको हेयर वॉश करना ही पड़ता है, आपको कहीं ऑफिस जाना है, खुद जाना है तो आप जा नहीं पाते। बट ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि इट्स वाटर बेस्ड, आपको इसको अफेक्टेड एरिया में लगाना है, इसको इस तरीके से लगा के और प्स, 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 जिस भी एरिया में आपके बाल झड़ रहे हैं, कोई भी रीज़न आपकी ग्रोथ स्लो हो गई, किसी भी रीज़न से बालों की ग्रोथ स्लो हो गई, तो आपको इसको लेना है और प्स, 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 स्प्रे मारना है। दिन में कभी भी मार सकते हो, रात में मार सकते हो, सोने के, वैसे प्रेफरेबली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सोने के 2-3 घंटे पहले इसको स्प्रे करके मसाज करके 5-10 मिनट के लिए मसाज करके रात तक के लिए छोड़ दो। नेक्स्ट डे आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप सीधे ऑफिस जा सकते हो, वॉश करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये वाटर बेस्ड है, तो आप एक बालों में चिपचिपाएगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। तो इसको आप लगा सकते हैं और आपकी ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ही इसकी और भी मैं आपको बताऊँ, इसकी हेयर गमीज भी आती है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, हेयर गमीज के ऊपर मैन मैटर्स की है। और इनकी स्किन गमीज भी आती है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ, ये बहुत अच्छी चीज प्रोडक्ट्स हैं। आप साथ में चाहते तो इनके हेयर गमीज भी ले सकते हो इसके हेयर टॉनिक के साथ, जो कि हेयर ग्रोथ को और ज़्यादा फास्ट कर देगा। तो किसी भी रीज़न से आपके बाल झड़ रहे हो, आपके डीएचटी का लेवल बढ़ा हुआ हो या स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल हो रहा हो या कोई भी रीज़न हो, या आपके स्टेम सेल पे जाके वर्क करेगा। स्टेम सेल लेवल पे जो होता है ना, हमारे हेयर के स्टेम सेल जो होते हैं उसको जाके स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे ग्रोथ को, सेल ग्रोथ को, डिवाइड होने को फास्ट कर देता है। और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मैन मैटर्स की वेबसाइट पे मिलेगा, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप जाइए और मैं आपको अपना एक कूपन कोड दूंगा, उसको भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा और मुझे यहाँ पे भी मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ और क्या है, ये इसकी प्राइस है 899 जो कि 60 ml की बॉटल है, आप हाफ ml डेली भी लगाते हैं तो 60 ml मतलब अराउंड 120 दिन चलेगा, और 1 ml लगाते हैं तो अराउंड 60 days तो चलेगा। दैट मीन 2 महीने का टॉनिक है आपका मिनिमम, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको आपको 2 से 3 महीने यूज़ करना है मिनिमम अच्छे रिजल्ट के लिए। आप इसको कभी भी बीच में छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यूशन में लगाना है। लाइक मिनोक्सिडिल की तरह आप जब छोड़ते हैं तो रिवर्स हो जाता है उसका रिजल्ट, ऐसा नहीं होता इसमें। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रेगुलर आएगा और आप कभी भी छोड़ सकते हो, कभी भी वापस उसको लगा सकते हो, तो कोई इशू नहीं आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और टोटली सेफ है। तो वेट क्या करो, फटाफट जाओ और मैन मैटर्स की वेबसाइट पर जाके इसको जाके परचेस कर लो और हेयर कमीज भी ले लो, खूब सारे कमीज ले लो, जेब में रखो और खाते रहो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइए ज़रूर, और मैं आपका वेट करूँगा इंस्टाग्राम पे।